रेड सी पर लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है। यमन के हूती बागी लगातार रेड सी से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं। वहीं अमेरिका का दावा है कि इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है। वॉशिंगटन का दावा है कि हिंदुस्तानी साहिल से करीब 400 किलोमीटर दूर समंदर में जिस तेल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ उसे हूती बागियों ने नहीं ईरान ने अंजाम दिया था। मतलब ड्रोन यमन से नहीं ईरान से आया था। 19 दिसंबर को सऊदी अरब से चले इस जहाज को 25 दिसंबर तक हिंदुस्तान के न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद थी। हाल ही के दिनों में यमन में मौजूद ईरान हामी हूती बागियों ने रेड सी से होकर गुजर रहे जहाजों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिस वजह से कई जहाजों को अपना रास्ता भी बदलना पड़ा है। वहीं इन इल्जामात को ईरान ने मुस्तरद किया है। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस मामले में ईरान के शामिल होने से इनकार किया है। इसके साथ ही इसराइल की लगातार फौजी कार्रवाई के खिलाफ कोई एक्शन न लेने पर वॉशिंगटन की मजम्मत की जा रही है। तो इस मामले को लेकर खासा रद्दअमल देखने को मिल रहा है। अमेरिका ईरान पर इल्जाम लगा रहा है। ईरान कह रहा है कि जो हूती हैं वो अपना फैसला लेने में अहल है और उनके पास अपने हथियार हैं। ईरान कह रहा है कि उसका कोई हाथ नहीं है। तो दूसरी तरफ हूतियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो ये हमले इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इसराइल पर दबाव बने और जंग बंदी को लेकर कोई पेशरफ्त यहाँ पर निकल कर आए। अब इसी को लेकर क्या कुछ और पेशरफ्त है, क्या ये हमले इसी तरह जारी रहेंगे? तो वहीं अमेरिका की तरफ से तकरीबन 10 ममालिक के साथ और 10 से भी ज्यादा ये ममालिक बताए जा रहे हैं जिनके साथ इत्तेहाद किया है जो इन हमलों का मुकाबला कर सके। आपको बता चले रेड सी में इस तरह से ये हमले देखने को मिल रहे हैं जहां पर हूतियों की तरफ से उन जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं इसराइल और अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं और उन्हीं के ये जहाज हैं। ऐसे में अमेरिका लगातार इन हमलों को लेकर ईरान पर इल्जाम लगा रहा है। ईरान कह रहा है कि हूती काफी अहल हैं, उनके पास खुद के हथियार हैं और उनका ये खुद का डिसीजन है, ईरान का कोई इसमें हाथ नहीं है। तो दूसरी तरफ वो कुछ माहरीन का ये कहना है कि ईरान से बदला लेने के लिए, क्योंकि अमेरिका और ईरान की जो आपसी रिश्ते हैं वो यहाँ पर वाज़ेह हैं, दोनों में आज इस तरह से नाइत्तेफाकी देखने को मिलती है। कहा जा रहा है कि ये उसको मजीद बढ़ाने की एक पेशरफ्त भी है, लेकिन दूसरी तरफ हूतियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो जंगबंदी को लेकर पेशरफ्त करना चाहते हैं, अमेरिका और इसराइल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ما به صراحت با آمریکایی‌ها گفتیم که اونها بر اساس مساله خود تصمیم گرفتند که چگونه از غزه دخالت کنند، اما ما نیز هرگز به آنها نه دستوری داده ایم و نه دستور خواهیم داد که شما اقداماتتون رو متوقف بکنید. برای ما امنیت منطقه بسیار مهم هست. ما به دنبال گسترش دامنه جنگ نیستیم. راهکار ایجاد ائتلاف در دریای سرخ نیست. راهکار متوقف کردن ریختن خون سرخ زنان و کودکان و غیر نظامیان غزه و کرانه باختری فلسطین هست. तो यहाँ पर आपने देखा किस तरह से अमेरिका की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया था उस पर ईरान की तरफ से वजाहत की गई है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इस हमलों में उसका कोई हाथ नहीं है। जो हूतियों की तरफ से हमले किए जा रहे हैं वो उनका खुद का डिसीजन है और खुद डिसीजन लेने में अहल है हूती बागी या यमन की तरफ से ये हमले किए जा रहे हैं और ईरान का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो दूसरी तरफ अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि ईरान इसमें मुलव्वज़ है क्योंकि जिस तरह से ईरान हमस का साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसके हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं ईरान ने वाज़े किया है कि ये अब हूतियों के अपने हथियार हैं क्योंकि ये एक बड़ा ग्रुप है।